हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कृष्णा वाल्मीकि को न्याय दिलाने को लेकर हिंदू समाज ने स्थानीय जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रीय बजरंग दल बाड़मेर के कार्यकर्ताओं द्वारा झालरा पाटन के युवक कृष्णा वाल्मीकि पर मुस्लिम समाज के द्वारा आधे से ज्यादा दर्जन हिस्ट्री शीटर लोगों ने 1 जुलाई को मार दिया है। स्थानीय बाड़मेर के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार को प्रांत उपाध्यक्ष सुखदेव बजरंगी, जिला अध्यक्ष अमित कल्ला, किशोर भार्गव, एबीवीपी प्रदेश सहमंत्री भोम सिंह सुंदरा के नेतृत्व में हिंदू समाज ने कृष्णा वाल्मीकि ज्ञापन सौंप न्याय दिलाने की मांग की। हिंदू समाज ने आरोप लगाया कि धार्मिक उत्पात फैलाने की साजिश रची गई है। पुलिस प्रशासन बार बार घटना को आपसी रंजिश हमला देकर प्रकरण को कमजोर कर रही है, जबकि मृत कृष्णा का किसी विवाद में लेना देना नहीं है। बल्कि कृष्णा गौ रक्षक तथा तस्करी के कई मामलों को उजागर करने वाला, जिसको लेकर उन लोगों में रंजिश के बहाने टारगेट किया गया है। कृष्णा के हत्यारों को फांसी की सजा हो और परिवार को राज्य सरकार द्वारा 50 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से न्याय मिले, उनके परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए तथा केंद्र सरकार गौ हत्या प्रतिबंध कानून सारे देश में लागू करे। इस दौरान पुरुषोत्तम वाल्मीकि, अभिमन्यु जावा, ओपी गौड़ आगोर, विजय शर्मा, अशोक चौधरी, दीपक डागला, वीरेंद्र सिंह तेजमालता, बाबू देवासी, ईश्वर रायका, जुंजार सिंह, मनोज महेश्वरी, मनोहर चारण, प्रेमाराम आदि उपस्थित रहे। जागरूक टीवी के बाड़मेर से ठाकरा राम मेघावल की रिपोर्ट।